भिलाई से बता रहे हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी की मूर्ति अनावरण पर बवाल मचा है। अटल स्मृति पार्क में आज लगाई जानी थी मूर्ति। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर भिलाई से, भिलाई के कैंप 2 मार्केट के पास की घटना आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने किया सीएसपी कार्यालय का घेराव, सीएसपी वाईपीएस प्रभात के साथ हुई है अभद्रता। आपको बता दें क्षेत्र कैंप 2 छावनी में हुआ तब्दील। भिलाई से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, स्वर्गीय अटल बिहारी की मूर्ति अनावरण पर बवाल। अटल स्मृति पार्क में आज लगाई जानी थी मूर्ति। आपको बता दें भिलाई के कैंप 2 मार्केट के पास की घटना आपको बता रहे हैं। बीजेपी ने किया सीएसपी कार्यालय का घेराव, बीजेपी ने किया सीएसपी कार्यालय का घेराव। आपको बता दें तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीएसपी व आईपीएस प्रभात के साथ अभद्रता हुई है। क्षेत्र कैंप 2 छावनी में तब्दील हो गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरें। सीधे आपको दिखा रहे हैं भिलाई से तस्वीरें, स्वर्गीय अटल बिहारी की मूर्ति अनावरण पर बवाल हुआ है वहां पर। बात करेंगे भिलाई से हमारे संवाददाता हर्ष सोनी से और जानेंगे इस खबर पर और अधिक जानकारी। हर्ष, जिस तरह से ये जो मूर्ति अनावरण पर बवाल हुआ है, अटल बिहारी की मूर्ति के अनावरण पर, क्या अधिक जानकारी? सीएसपी व आईपीएस प्रभात के साथ किस तरह की अभद्रता हुई है? जी जी, मैं आपको पहले तो बता दूं कि जैसे कि सबको विदित है कि आज अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो जयंती थी आज, उसको वहां पे जो क्षेत्र कैंप 2 का वहां पे जो अटल पार्क है उसमें आज मूर्ति का उनके अनावरण होना था। इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम था, लेकिन आज सुबह से ही क्षेत्र में हलचल होने लग गई कि कुछ क्षेत्र के लोग भी थे और वहाँ के जो पार्षद है मन्नान खान, उनका भी कहना था कि इस क्षेत्र में जो सामाजिक पार्क है और सार्वजनिक जो पार्क है उसमें किसी का मूर्ति जो है लगने नहीं दिया जाएगा। इसी को लेकर जो वहाँ पे मूर्ति अनावरण के लिए जो स्टैंड बनाया गया था जिसपे अटल जी की मूर्ति को रखनी थी, उसको पहले तो तोड़ दिया गया। उसके बाद काफी जो है क्षेत्र में हलचल मच गई, काफी झूमा झटकी भी हुई है। प्रभात कुमार जो अभी प्रशिक्षु आईपीएस है वो भी वहां पे पहुंचे थे, उनके साथ भी वहां के लोगों ने काफी झूमा झटकी की है और फिलहाल जो पूरा जो क्षेत्र है छावनी में तब्दील हो चुका है और कम से कम 300 से 400 की संख्या में पुलिस बल वहां पे मौजूद है और कोशिश किया जा रहा है कि कैसे न कैसे इस पूरे मामला को शांत कराया जा सके। जी जी हर्ष, जिस तरह से आपने जानकारी दी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मूर्ति नहीं लगाए जाने के पीछे क्या मुख्य कारण हो सकता है? जी, मुख्य कारण तो यही है कि वो जो अटल वाजपेयी जी के जो नाम से जो पार्क था वो अभी का नहीं, कम से कम उस पार्क को बने 30 से 35 साल हो गए थे, लेकिन अब उसमें मूर्ति तो था नहीं। तो आज उनका जैसे कि विदित है कि आज उनकी जयंती, तो ये था कि आज उनका जो है मूर्ति जो है यहाँ के जो दुर्ग के सांसद है विजय बघेल के द्वारा अनावरण होना था, उसी को लेकर पूरे पंडाल तक सज चुके थे, कार्यक्रम पूर्ण निर्धारित था, लेकिन असामाजिक तत्व जो है आप जानते हैं हर जगह मौजूद होते थे, उन्हीं के द्वारा जो है उनके मूर्ति लगने को लेकर विरोध किया गया, जिसके बाद ये सारा बवाल मचा। हर्ष, आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपको बता दें स्वर्गीय अटल बिहारी की मूर्ति अनावरण में बवाल हुआ है भिलाई में। अटल स्मृति पार्क में आज मूर्ति लगाई जानी थी पर लगाई नहीं जा सकी। भिलाई के कैंप 2 मार्केट के पास की ये पूरी घटना घटी है और बीजेपी ने किया है सीएसपी कार्यालय का घेराव। अब आपको बता दें सीएसपी व आईपीएस प्रभात जो हैं उनके साथ भी अभद्रता की है वहां के लोगों ने और क्षेत्र कैंप 2 जो है छावनी में तब्दील हो गया है।